जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। डीआरडीओ और भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा कोऑर्डिनेट एक्शन में मिलकर नेक्स्ट जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम अग्नि प्राइम है, उसको सफलतापूर्वक तरीके से आपका प्रक्षेपण किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि ये अग्नि मिसाइल है क्या और अग्नि प्राइम मिसाइल की इस सीरीज की इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ अर्थात रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा भारत की सभी स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को बनाया जाता है और अभी 3 अप्रैल की रात को हमारे डीआरडीओ और भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा कोऑर्डिनेट एक्शन में मिलकर जो है अग्नि प्राइम मिसाइल को सक्सेसफुली आपका लॉन्च किया गया। ये एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसमें आपकी नई टेक्नोलॉजी लगाकर इसको नेक्स्ट जनरेशन की हाईली कैपेबल मिसाइल आपका बनाया गया है। ये एक प्रकार की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है और अभी पिछले कुछ विगत वर्षों में इसका निर्माण हमारे डीआरडी के द्वारा किया गया है। वहीं पर चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा हमारी सेनाओं को बधाइयाँ दी गई कि बेहतर तरीके से वो वर्क कर भी रहे हैं और भारत को मजबूत करने की स्थिति में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो आपकी अग्नि प्राइम मिसाइल है, ये 2 स्टेज कैनिस्टराइज मिसाइल है जो कि अंडर डेवलपमेंट है और इसके ट्रायल्स लगातार आपके करते जा रहे हैं। ये मिसाइल कैपेबल है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक के रेंजेस को आपका डिस्ट्रॉय करने में। आपको याद होगा जो अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड मिसाइल है हमारी, उसकी रेंज 700 है और अग्नि सेकंड की आपकी मोर देन 2000 है। तो इनके बीच के गैप को फिल करने के लिए अग्नि प्राइम मिसाइल का निर्माण आपका किया गया है और इससे पहले भी इसके काफी लॉन्च हो चुके हैं। इस बार का जो लॉन्च हुआ है उसमें काफी नई और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आपकी लगाई गई है। अग्नि सेकंड की जो रेंज है मोर देन 2000 किलोमीटर, थर्ड की 2500 किलोमीटर, फोर्थ की आपकी 3500 किलोमीटर है, ओके। और अग्नि फाइव की तो मोर देन 5000 है, 5500 किलोमीटर बताते हैं, लेकिन ये आपकी मोर देन 8000 किलोमीटर स्ट्राइक करने में पूरी तरीके से कैपेबल है। और जो हमारी अग्नि सीरीज की जितने भी मिसाइल्स हैं उनमें मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि फाइव आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आपकी शामिल है और बेहतर तरीके से हम वर्क करते जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के बारे में बात करें तो ये स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड है जो कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का एक पार्ट है और भारत में जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनका देख रेख करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास आपकी रहा करती है। इस कमांड को अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में 4 जनवरी 2003 को आपका बनाया गया था। जो 3-स्टार जनरल होते हैं, कमांडर इन चीफ रहते हैं आपके इसके और इस स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को वो रिस्पॉन्सिबल आपके रहा करते हैं। भारत में अगर हम लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स देखें तो पृथ्वी फर्स्ट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 150 किलोमीटर रेंज, पृथ्वी सेकंड शॉर्ट रेंज SRBM 250 से लेकर 350 किलोमीटर, पृथ्वी थर्ड 350-600 किलोमीटर, अग्नि फर्स्ट MRBM है 700 किलोमीटर, शौर मिसाइल MRBM है 700 से लेकर 1900 किलोमीटर, अग्नि सेकंड MRBM 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर, अग्नि थर्ड IRBM 3500 से लेकर 5000, अग्नि फोर की रेंज आपकी 4000 है, अग्नि फाइव की आपकी 8000 किलोमीटर तक वो जा सकती है, अग्नि सिक्स अंडर डेवलपमेंट है और जो इंटरनल सोर्सेस हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि इसको बना लिया गया है, जब सरकार कहेगी तो इसको आपका प्रक्षेपण भी कर दिया जाएगा। और इसमें आपका अग्नि फाइव में MIRV टेक्नोलॉजी लगी है और सिक्स में तो आपकी लगेगी ही। अग्नि प्राइम की मिसाइल की हम बात ही कर रहे हैं, वो भी एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है, और शौर मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है 12000 से लेकर 16000 किलोमीटर तक है और इस पर हमारे DRDO के द्वारा वर्क किया जा रहा है। वहीं पर सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करें तो इसमें आपकी धनुष आती है, SRBM है 350 किलोमीटर रेंज, सागरिका इंडियन नेवी की मिसाइल है और ये भी आपकी न्यूक्लियर कैपेबल है 700 किलोमीटर, K4 3500 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, K5 5000 अंडर डेवलपमेंट,
सिक्स अंडर डेवलपमेंट 6000। तो नेवी के पास भी आपकी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघट के आईएनएस चक्र जैसे हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है, और भारत आगे बढ़ता जा रहा है। अग्नि प्राइम मिसाइल का ये सफल परीक्षण दिखाता है कि हमारी सभी फोर्सेस, हमारी डीआरडीओ बेहतर तरीके से वर्क कर रही हैं और भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं। आप सभी डिफेंस स्टूडेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के सभी रिटर्न कोर्सेस में जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर करें। सब कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वो रिटर्न कोड का यूज कर लें। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।